पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संजीवनी एमआरआई और सिटी सेंटर का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर विधायक रितेश गुप्ता के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर जीएमडी रोड स्थित संजीवनी एमआरआई और सिटी सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर सीमा मिड्डा द्वारा सभी का आभार जताया गया। इस दौरान डॉक्टर सुधीर मिड्डा, डॉक्टर ऋषि मिड्डा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में नगर विधायक रितेश गुप्ता के द्वारा पूजन और हवन में भी भाग लिया गया। मुख्य यजमान के रूप में नगर विधायक उपस्थित रहे, तो वहीं नगर विधायक रितेश गुप्ता ने संजीवनी एमआरआई और सिटी सेंटर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान डॉक्टर सीमा मिड्डा ने भी नगर विधायक का आभार जताते हुए कहा कि समाज की सेवा के लिए एक प्रयास किया गया है, जिसके बाद लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने में सफलता हासिल होगी। संजीवनी एमआरआई सेंटर पे आज ताड़ीखाना चौक पे एमआरआई सेंटर का उद्घाटन किया गया है। बहुत उच्च कोटि की एमआरआई मशीन यहाँ पे डॉक्टर मिड्डा जी द्वारा और उनकी धर्मपत्नी मिसेस मिड्डा द्वारा यहाँ लगाई गई है। इस मशीन से मुरादाबाद की जनता को बहुत लाभ मिलने वाला है। एमआरआई के लिए जहाँ बरेली दिल्ली लोगों को जाना पड़ेगा, अब एक उच्च क्वालिटी की मशीन यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, तो लोगों को, मुरादाबाद के लोगों को एमआरआई के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके शुभारम्भ पर मैं डॉक्टर मिड्डा और डॉक्टर मिसेस मिड्डा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक्चुअली हमारे पास एमआरआई मशीन पहले से भी थी, हमने उसको और हाई क्वालिटी की मशीन जिसको 1.5 टेस्ला होता है 3 प्लेटफॉर्म, उसके लिए यहाँ पर आज उसका शुभारंभ किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ रितेश भैया का कि वो आए और उन्होंने किया। इससे हमारे इस पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे कि हम बहुत इमेजिंग अच्छी, उसकी जब इमेजिंग अच्छी होगी तो हम उसकी रिपोर्ट अच्छी दे सकते हैं, तो उससे मरीजों को फ़ायदा होगा। हमारे पास दोनों तरह की मशीन है, ओपन एमआरआई भी है, अब हमारे पास ये भी है। ये क्लोज की क्वालिटी अच्छी है इसलिए हमको बदलना पड़ा, वरना कई पेशेंट ऐसे हैं जो कि बंद मशीन में नहीं करा सकते, उनके लिए हमारे पास ओपन मशीन भी है एमआरआई मशीन। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और शुभकामनाएँ चाहती हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।